So, hello and welcome back to the channel, Mallow ID guys. बाइक निकाली है, माइक नहीं लगा गोप्रो पे, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी और बाकी बात आज रास्ते में बताऊंगा। ओके चुका हूँ, अब गाड़ी उठाएंगे, बाइक लगा रहा हूँ साइड पे, फिर निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। इसके स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की टैगलाइन से गाइस, जमीन से लगाएंगे उड़ान, आसमान की धूल को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो उसको, किसने ऐसी राय दी बंदे को, आप बोलते हैं मालवा आईडी गाइस। तो गाइस एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जब कोई रास्ते में अड़चन एक बार, दो बार, दस बार, बार बार आए तो उसका इशारा समझ लीजिए, मंजिल आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, रास्ते चाहे आपको बदलने पड़े मंजिल वही रहनी चाहिए। लंबे से और लंबा हो सकता है, छोटा नहीं लेना कभी। तो गाइस वही एक शॉर्टकट में बताया आपको, आपको भी समझ में नहीं आएगी अभी, तो थोड़ा सा इसी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। अभी दोनों को मैंने कुछ भी नहीं बताया, एक को ये तो कुछ काम करने के से पहले मैं माथा जरूर टेकता हूँ, जिसकी भी जिसमें श्रद्धा वो पहले वो उसको माथा टेके फेरी काम करे, तो मैं वो करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बता दूंगा गाइस के असली काम क्या है जो मेरा आज। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ गाइस नहीं उनके सामने ही बताऊंगा गाइस। वो नहा रहा अभी, मैंने कब से फोन किया हो, अभी नहा के वो बाथरूम, पहले भी बाथरूम में था, अब भी बाथरूम में ही नहा रहा है, 15-20 मिनट लेगा वो, तो उठाता हूँ उसके। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:15, देखते हैं कितने टाइम के बाद ये आता है और उतर कर वेट करते हैं हम। अपना हेलमेट वगैरह अंदर ही रख लिया है, गियर्स वगैरह, और बाइक पे आया था। ये गाड़ी मेरी
ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। तो गाड़ी बहुत रीस से रखी हुई है, 2 साल हो चुके हैं आज तक। बाय गॉड टच वुड इसको पूरा प्यार से चलाया, अभी तक स्क्रैचेस भी नहीं आने दिए, और जितना भी चलाऊं ऐसे ही चलाएंगे प्यार से। और बस क्या हो, तो भाई साहब उसको उठा लिया मैंने, इतना रो रहा है उसको, बता ही नहीं रहा मैं क्या कहा। अभी वो बोल रहा कुछ खिलाओ पहले फिर मैं जाऊंगा। मैंने कहा यार माथा टेक गया लंगर जगह, नहीं नहीं भूख लगी है पूरी। मैं कहा यार दूर, अरे यार कर दे ना भाई, करेगा कि नहीं करेगा भाई उसको मैं बार बार बता रहा हूँ यार, मैं क्या बता दूंगा तेरे को क्या काम। तो गाइस बंदे पूरे कर लिए हमने, हम निकलने वाले हैं आलमगीर साहब को, मिलते हैं ऑन द बस। क्या हो इधर भी देख लो ये एग्जिट है। ये तो पक्षियां लिया हमने, बढ़िया चीज है यार, ट्रेडिशनल मुझे बहुत पसंद है चीज। अब भाई साहब एक जरूरी काम है अब हमने करना है, तो अभी किसी को नहीं पता क्या करना है, अभी तक अंदाजा नहीं है इनको। देखते हैं रास्ते में पता चल जाएगा इनको। वो जरूरी काम आज निपटा के छोड़ेंगे, पहले कुछ काबिल है कि अब से वगैरह से फिर निकलेंगे। तो भाई हम आ चुके हैं मैकडी पे, यहाँ से लेंगे देखते हैं बर्गर किंग खाए या मैकडी। मैकडी है बर्गर किंग। हेलो भाई साहब मैकडी, और बोल लो ये क्या बात कर रहे हो, थोड़ी सी ऑडियंस भी आ जाएगी बीच में। चलो भाई मील हो गई है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों करें, तेरे स्लो है ना डिवाइस, ये चलता ही नहीं बराबर। चलो प्राइस कोल्ड कॉफी सी एक करा ली ना, एक एक का बर्गर और ऐड करना है, ऐड टू ऑर्डर कर दो, आलू टिक्की का बहुत स्लो है। आलू टिक्की कहाँ पे भाई साहब, ये लोग पूछ रहे हैं क्या करना है और काम क्या है, अभी तक इनको पता ही नहीं है यार। गाइस ये बता नहीं रहे, चलो जब पता चल जाएगा मैं कैमरा ऑन कर दूंगा। बस क्या हो वो वाले मुरे तो चलो, वो तो इनके पीछे की भाई साहब, वो देखो वो टेंपो जा रहा है ना, टेंपो जा रहा है वो, उसने पी हुई है, वो बहुत गलत ड्राइव कर रहा है, पी रखी है कोल्ड ड्रिंक, हमने भी कोल्ड ड्रिंक, बहुत गलत ड्राइव कर रहा है वो। हम देख अभी दिखाते हैं आपको, बहुत गलत ड्राइव कर रहा है,
ही रख किया उसने जगह दोपहर में मोटा संतरा पी गया। वो देखो टेम्पो वो देखो वो क्या करा वो बच गया ही रख किया उसने। हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे भाई साहब कोई न्यूज मिल जाए। एचआर का नंबर है पता नहीं कैसे कंट्रोल किया ये देखो ये मरना है ये कुछ करेगा ये कुछ पीछे रखो उसको मैं बोल ही देता हूँ रुक जा पीछे रखो तो क्या बोलूँ। तो गाइस मैंने उनको साथ में लगा कर ना गाड़ी मैंने उनको बोल दिया भाई धीरे चलाओ घर पे भी जाना है कोई वेट करता होगा। वो ना बहुत नॉर्मल थे सोफी सरदार बंदे थे गाड़ी लोडेड ज्यादा है पीछे से बहुत ज़्यादा वो अनबैलेंस हो रही थी तो अब ठीक है मैंने बोल दिया थोड़ा सा नॉर्मल चलाओ आराम से चलाओ। सभी वीडियो बना रहे थे पीछे से गाड़ी से तो मैंने साथ लगा कर बोली थी अभी आराम से चला लो यार कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं घुमा रहे हैं गाड़ी मिलते हैं उन दोनों से। मुझे भी पता था भी आओ गालियाँ दोगे मुझे भाई वीडियो तू भी बना रहा उसको बोल ही देता मैंने बोल दिया भाई अपना फर्ज निभा लिया। तो गाइस ये आ चुके हैं हमारी मंजिल आपको भी नहीं मैंने बताया नहीं था गाइस मैं क्या करने जा रहा हूँ आप ये देख लीजिए इसको लगाते हैं अंदर ये बड़ी स्विफ्टी खड़ा यो भाई साहब हम आ चुके हैं इसको लगाते हैं छांव में। अच्छा चलो तो गाइस हम आ चुके हैं कावासे की शोरूम में आज वो दिन आ चुका है मैं बुकिंग करवा रहा हूँ इसी को भाई इसको बार बार और क्या करोगे बुकिंग करवा रहे हैं गाइस। यस कितना कलर है दिखाओगे पूरा अपने को नेकेड है स्टैंड लग गया पूरा देखो मुझे पूरा देख लो देखता। तो गाइस बुकिंग तो करनी है ये लेने वाला था मैडम का मन बदल गया ये नहीं लेना फेयरिंग वाला लेना तो अभी देखते हैं बस। भाई ये भी बहुत ऑफर है जीना नंबर कईयों का ड्रीम है पहले मेरा भी था फिर 6 साल लॉन्च हो गई चेक करते हैं। बुकिंग किसके नाम पे कर नहीं बुकिंग मैडम के नाम पे करें गाइस आया तो था मैं इसके लिए मैडम को पसंद नहीं आया ये भाई साहब ही बोले 2 वोटें डल गई तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब बुकिंग हो रही है गूगल पे कुछ ना शिफ्ट कर लें ट्रांसफर कर लें पहला बहुत बल्कि हैवी मशीन है जो आंखों से देखोगे तो इसको मैं लेने ही वाला था टाइम पे डिसीजन चेंज हो गया वो हो रहा है इसको ले लो मैं बच्चों की मशीन है ये बच्चों की 650 ये बच्चों की मशीन है हम नहीं लेते ये 400 पैडॉक काम हो गया। तो गाइस मैडम ने अमाउंट शिफ्ट कर दिया अब बुकिंग करवाने जा रहे हैं गाइस
फाइनली आज दिन मैंने चूज कर लिया था आज। नेकेड करके ना फिर भी नेकेड वाइज जे फीरिंग लग गई ना काफी यूज हो जाएगा ये नेकेड बोलते ना। पूरा ब्लैक है जेट ब्लैक कावासाकी मैनुअल मैनू जिन्ना पसंद है उन्ना डिजिटल नहीं सुई है या जाने ना उपर हो जाए अपनी अपनी चॉइस है बैग दे है तो बैग दे है तो बैग दे मैडॉक है कंफर्टेबल है कंफर्टेबल पूरा बहुत कंफर्टेबल कौन से बाइक की ओ केरला से है भाई बाइक सर्विस हो रही है सचर जीवी क्या बात है असम आंध्र असम ही है ना असम दोनों एक साथ आए हैं भाई साहब वर्ड्स नहीं आने के लिए उनकी सिफ्त क्या करें क्या प्रेज करें इनको खुशी देख लीजिए गाइस लेने ही आया था मैडम ने पूरी ना कर दिया और ये देखो फाइनली ये आ चुका हमारे पास देख रहे हो कितनी जीरो लगती है इसके लिए और ये देखो मतलब कंफर्म्ड है गाइस ये करवा दी मैडम ने ये बैठे हैं इनकी वजह ये हो गया ये ले रहा था मैं चलो तो ऊपर वाले का जो मंजूर है मैं उसको बोल रहा हूँ ये वो करवा ली खुशी देखिए मैडम जी यार सुपर टाटा बाप ऐसे ही खुश हो गए यार अप्रैलिया चलते हैं गाइस अपनी गाड़ी में ओके ब्रदर निकलते हैं गाइस घर को लेट्स गो। सो गाइस मैं बता नहीं सकता इतनी खुशी है ना आज इतनी ज़्यादा खुशी है मैं तो अपनी तरफ से
Z900 लेने गया था कि मैं यार वो ठीक है अपने बजट के हिसाब से भी थोड़ा सा उसको मेंटेनेंस वगैरह का जो खर्चा आता है वो मैं खुद ही उठा लूंगा, खुद ही अपने खर्चे पे बाइक लेने वाला था। तो मैं इन दोनों को लेके गया था कि ये मेरा नेबर है, ब्रदर ही है एक तरह ऐसे, तो इसको लेके गया और अपनी मैडम को लेके गया। तो मैं बता के नहीं गया था इनको भी मैं कोई सरप्राइज वगैरह, मैं आज गुरपुरब था तो गुरुद्वारे लेके गया, पहले माथा टेका वहाँ पे, प्रेयर की मैंने मन ही मन में कि जो काम कर रहा हूँ आज पूरा हो जाए। तो वो होते होते मैं इनको रास्ते में बताता गया, हिंट देता गया, इनको पता भी था बार बार। मैंने कहा बाइक कौन बुक करवाएगा यार, करते करते मैं ले गया इनको भाई साहब वहाँ पे, मैंने इनको दिखा भी मैं ये बाइक ले रहा हूँ। दोनों ने भाई रिफ्यूज कर दिया जाते ही, दोनों ने भी भाई नहीं यार ये नहीं लेना, नहीं लेना। तो मैंने कहा यार मैं 50,000 रख रहा हूँ, जो मर्जी जो सब दोनों में से बुक करवाना है, 600 या 900 में से करवा दो। तो उन्होंने फाइनली यार, मेरा तो दिल में यही था ड्रीम यार कि मैं ये बाइक लूँ, और उन्होंने 600 गाइस मेरा ड्रीम यार, टेना ड्रीम था, बट मैंने उसको पूरा करूंगा, जी जान लगाऊंगा वो भी पूरा करूंगा। तो यार ये एक फर्स्ट स्टेप है जो पूरा कर दिया गया है, मेरा स्पोर्ट बनी। तो भाई क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये दिन सभी पे आए यार, मेहनत करो पूरा अपने आप को, इतना पेन दो यार बॉडी को, जो पेन देता है ना वही अपने गोल को अचीव कर पाता है। बिना पेन के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, अपने आप को पेन दो, पेन दोगे तो ही कोई चीज आपके पास आएगी, मंजिल आपके पास आएगी। आप चलते ही नहीं हो तो क्या उसको पा सकोगे यार। मैं अपने मंजिल के पास पहुंचूंगा, देर लगी, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारा, मैं पहुंचा अपनी मंजिल पे। तो गाइस बहुत बहुत थैंक्स, आपकी सपोर्ट बरकरार रहनी चाहिए यार, सपोर्ट कीप सपोर्टिंग यार, कीप लविंग कीप शेयरिंग माय वाईडी। ये टैगलाइन मैंने कुछ ऐसे ही नहीं बनाई, कुछ सोच के बनाई थी, जमीन से लगाएंगे उड़ान आसमान की, धूल को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो उसको, किसने ऐसी राय दी बंदे को, आप बोलते हैं माय वाईडी गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, आप बस अब मेरा मोनेटाइज कर दो चैनल, बाकी आग लगा देंगे यार, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। बस थैंक यू, आज का व्लॉग बस इतना ही, शायद कुछ और शूट करने को मिले शाम को, खुशी बहुत है। अभी दोपहर के बजे हैं, 3:30 हुए हैं अभी, तो अभी घर वालों को बताया नहीं, मैं उनको बोला था, मैंने जिद है अभी बाइक लूंगा मैं लूंगा, घर वाले कह रहे क्या करेगा बाइक लेके। मैंने कहा यार मैं घर वालों से, आपसे तो मैंने मांगा नहीं कि इतने पैसे दो यार मेरे को बाइक लेके दो, सब कुछ अपनी मेहनत से लिया, एक सपोर्ट मिली मेरे को अपने मैडम से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, आज भी उनकी वजह से 600 ले पाया हूँ। मेरे में खुद में इतनी वो कहा नहीं थी, 900 मैं ले सकता था अपने बल पे, बट मेरे को सपोर्ट हुई उनकी तो मैं 600 ले पाया, उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो अभी घर वालों को बताऊँगा, थोड़ा सा कह रहे हैं यार ये बाइक क्या करना था, गाड़ी है तेरे पास ये वो फलाना क्यों ऐसे कर रहा है, बट घर वाले यहाँ बताऊंगा तो जरूर। मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय, सी यू माय वाईडी।